केंद्र ने शुक्रवार से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और कमोडिटी के विभिन्न ग्रेडों पर 20% का निर्यात शुल्क भी लगाया। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि खरीफ सीजन में घरेलू उत्पादन 10 से 12 करोड़ तक टन तक कम हो सकता है और धान की अपर्याप्त बुआई के चलते ऐसी स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे चावल वाले राज्यों में खराब बारिश के कारण उत्पादन में कमी आएगी। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और निर्यात शुल्क शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य घरेलू कीमतों पर लगाम लगाना है और चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि भारत की जनता को महंगाई का सामना न करना पड़े। वही उनका कहना है कि कम बारिश के कारण कई चावल राज्यों में धान के रकबे में कमी आई है और 38 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीडीएस लाभार्थियों को चावल भी प्रदान किया जाता है। मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान शुरू हुई ये योजना 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। वहीं चालू खरीफ सत्र में धान फसल का रकबा काफी घट गया है, ऐसे में घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। राजस्व विभाग की बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार धान के रूप में चावल और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है और यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर से लागू हो चुका है। गौरतलब है कि देश के कुछ राज्यों में बारिश कम होने की वजह से धान का बुआई क्षेत्र घटा है। वहीं चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। भारत ने 2021-22 के वित्त वर्ष में 2 करोड़ 12 लाख टन चावल का निर्यात किया और इसमें 39,04,000 टन बासमती चावल था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में गैर बासमती चावल का निर्यात 6.11 अरब डॉलर रहा। भारत ने 2021-22 के दौरान विश्व के 150 से अधिक देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।